कोविड-19 के बाद भारत बनेगा विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर देश। नमस्कार दोस्तों, कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर कोई आधिकारिक जाजू कहे के टेस्टेड वैक्सीन और दवाई नहीं बनी, अब तक तो नहीं, लेकिन इस संक्रमण के दौर में मेडिकल फील्ड में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की अहमियत काफी बढ़ गई है। लेकिन जरूरी बात यह है कि इस बीच भारत जो तकरीबन 70% से अधिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई का उत्पादन करता है, वह विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर देश बनने वाला है। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर अचानक से कई रिपोर्टें आईं, जिससे यह मालूम हुआ कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और जी पैक जैसी दवाएं कोरोना वायरस से जूझने में एक लड़ाकू का काम कर सकती हैं। वह ऐसे कि यह किसी भी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है या यूं कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि यह सिर्फ कुछ रिपोर्टों में ही तय हुआ है कि नोवल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यह दवाई कारगर साबित हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि भारत विश्व में अकेले 3/4 का उत्पादन करता है, इसलिए क्योंकि भारत में इसे मलेरिया को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब यह कोरोना के लिए कई देशों में एक प्रिवेंटिव मेजर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। और यही भारत की उपयोगिता बढ़ जाती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन डिप्लोमेसी के बाद भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक संकट मोचक की हो गई है। लगातार कई देशों ने भारत के इस कदम के प्रति आभार व्यक्त किया है। ब्राजील, इजराइल, अमेरिका और भारत के पड़ोसी देशों ने तो पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। यही नहीं, ब्राजीली राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य रामायण के हनुमान तक से कर दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संजीवनी लाकर इसे ग्लोबल क्राइसिस से निपटने में हमारी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आप न सिर्फ हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, आप पूरे मानव सभ्यता की मदद कर रहे हैं। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी को दोस्त बताते हुए उनका और भारत का शुक्रिया अदा किया। भारत के पास हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सबसे अधिक है। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत एक गेम चेंजर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकता है और उसके पीछे यही दवाई है। कूटनीति के हिसाब से यह बहुत जरूरी है। भारत विश्व को यह दवाई मुहैया करा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने दो आधार बनाए हैं। पहला, भारत ह्यूमैनिटेरियन आधार पर वैसे देशों को यह दवाई दे रहा है जो हमारे पड़ोसी हैं या हमसे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वैसे देशों को मानवता के आधार पर यह दवाई दे रहे हैं। मसलन सार्क को सभी देशों को और उसके अलावा मालदीप, नेपाल, भूटान और कई अफ्रीकी देशों को फ्री में दे रहे हैं। वही दूसरा आधार है कमर्शियल, जिसमें वैसे देश हैं जो आर्थिक रूप से सशक्त हैं, उन्हें एक रीजनेबल दामों में हम यह दवाई उपलब्ध करा रहे हैं। तकरीबन 13 ऐसे देश हैं जहां भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का पहला कंसाइनमेंट भेज भी दिया है और बदले में एक मोटी रकम भी मिली है, जिसे भारत सरकार कोविड-19 से लड़ने में इस्तेमाल कर रही है। पहली सूची में जिन 13 देशों की यह दवाई भेजी गई है उसमें अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, बहरीन, नेपाल, ब्राजील, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, सिसलीच, मॉरिशस और चेक गणराज्य हैं। इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जहां इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद से ही भारत में विपक्ष और कई लोगों ने यह सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई के बाद हमारे पास इसकी कमी नहीं होगी, तो इसका जवाब खुद IDMA के निदेशक अशोक कुमार मदन ने दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत को हर साल तकरीबन 24 मिलियन यानी 2,40,00,000 टेबलेट्स की जरूरत पड़ती है मलेरिया और ल्यूपस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए, और हमारी हर महीने के उत्पादन 40,00,000 प्रति महीने की है। हाल ही के दिनों में कोविड-19 और इसकी बढ़ती मांगों के बीच हमने इसका उत्पादन और तेज कर दिया है। अब हम 20 करोड़ टैबलेट्स हर महीने बना सकते हैं। इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह भारत के लिए एक जीत से कम नहीं। जहां एक ओर हमारी फार्म इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे कूटनीतिक प्रयोग सफल होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।